नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इस वक्त बुरे फंसे हुए हैं। एक्टर काफी सालों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है। काला हिरन शिकार मामले की वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकी भी दे चुका है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। सलमान और उनका परिवार इस वक्त काफी परेशान है, क्योंकि एक्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है, उनकी जान पर खतरा बना हुआ है। हाल ही में इस मामले को लेकर सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने भी लॉरेंस बिश्नोई को बेवकूफ बताते हुए उन्हें काफी कुछ कहा था। सोमी अली ने लॉरेंस बिश्नोई से नवंबर में मिलने की बात कही थी। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने ये भी कहा था कि वो सलमान खान की जगह माफी मांगने को भी तैयार है। अब सोमी अली को सलमान खान का सपोर्ट करना भारी पड़ गया है। सलमान का बचाव करते हुए लॉरेंस बिश्नोई को बेवकूफ बोल सोमी अली बुरी फंस गई है। दरअसल सोमी अली के बयान पर अब बिश्नोई समाज की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। बिश्नोई महासभा के जोधपुर जिला अध्यक्ष नारायण डाबड़ी ने एक लीडिंग मीडिया चैनल से सोमी अली के बयान पर बातचीत की है। सोमी अली के माफी मांगने वाले बयान पर उन्होंने कहा, जिसने गुनाह किया है उसी को माफी मांगनी चाहिए। मैं सोमी अली से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सलमान खान को कोर्ट से सजा हुई तो उनकी जगह वो सजा काटेंगी। सलमान खान बिश्नोई समाज का दोषी है, और अगर समाज से माफी मांगनी चाहिए तो खुद उन्हें सामने आके मांगनी होगी। हो सकता है कि हमारे समाज के लोग का आक्रोश कम हो जाए। ये मामला कोर्ट में चल रहा है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो भी फैसला लिया जाएगा वो समाज के लोग स्वीकार कर लेंगे। तो देखा आपने, सलमान के लिए बोलना सोमी अली को कितना भारी पड़ गया है। बिश्नोई महासभा के जोधपुर जिला अध्यक्ष नारायण डाबड़ी ने सीधा सीधा कह दिया है कि क्या सलमान की जगह वो सजा काटेंगी। बता दें कि हाल ही में सोमी अली ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा था, ये गलत है, मैं इसलिए चाहती हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई मुझसे बात करे, मैं उन्हें समझाऊंगी कि ये गलत है। मैं जब वहां आऊंगी नवंबर में वेकेशन पर, तो मैं चाहूंगी देवेंद्र जो बिश्नोई गैंग के लीडर है उनसे बात करूं, क्योंकि लॉरेंस तो बेवकूफ है। जब मैं उसको ठीक कर दूंगी तो मैं सलमान के नाम पर उससे माफी मांगूंगी। सलमान ने मुझे कहा था कि वो नहीं जानते थे कि वो ब्लैक बक का बिश्नोई समाज पूजा करता है। वो 80 एकड़ का लैंड है, वहाँ बहुत लोग जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सलमान ही आज तक गए हैं, तो सिर्फ इन्हीं के पीछे क्यों पड़ा है? वो सिर्फ पब्लिसिटी चाहता है। सलमान अच्छा इंसान है। बता दें कि आरोप है कि फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने काला हिरण का शिकार किया था। हालांकि इस मामले में सलमान खान को जोधपुर की सेशन कोर्ट ने 5 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना लगाया था। बाद में राजस्थान हाई कोर्ट से वो सबूतों के अभाव में बरी हो गए थे। लेकिन काला हिरण शिकार मामले को लेकर बिश्नोई समाज का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से तो सलमान खान की जान पर खतरा और भी ज्यादा मंडरा रहा है। मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा को भी टाइट कर दिया है। उनके घर के बाहर भी सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग काफी टाइम से सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहा है। वो कई बार सलमान खान को जान से मारने की कोशिश भी कर चुका है। कुछ महीनों पहले ही बिश्नोई गैंग के द्वारा सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी की गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। वहीं ईमेल के जरिए भी सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली थी। लेकिन अब सलमान का सपोर्ट कर सोमी अली बिश्नोई समाज के निशाने पर आ गई है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।